आरोप लग रहा है आपके ऊपर। आप सरकार के स्पोक्समैन है क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए, बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई, और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को दुख हो रहा है? चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ, ठहर जाइए, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ, यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है, अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया, अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है, जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कर, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र ना खड़गे साहब ने देखा है, ना पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में ना हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूँ कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।